बच्चे, तुम हमेशा मुस्कुराया करो और खुश रहा करो। जीवन इतना भी बड़ा नहीं है कि तुम हर वक्त अपनी परेशानियों के बारे में ही सोचते रहो। एक दिन तुम एक नए पड़ाव पर चले जाओगे, जिंदगी बदलती जाएगी। जो चीजें आज है वो कल किसी और रूप को ले चुकी होगी, इसलिए खुश रहा करो। जो वक्त मिला है, जो लोग मिले हैं, जो चीजें मिली हैं, मुझे मालूम है कुछ तुम्हारे अनुसार है और कुछ नहीं है, पर जो है, जो उपलब्ध है, उसका पूरा पूरा फायदा उठाओ। तुम उससे जो अच्छा कर सकते हो, जो सीख सकते हो, सीखो और करो। जिंदगी को इतना मुश्किल समझकर मत जिया करो, थोड़ा आसान छोड़ दो। ऐसा मानो कि जो हो रहा है वो मेरी मर्जी से हो रहा है, और बस मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। की गई श्रद्धा, सबूरी, वो अटूट विश्वास का जो हमारा रिश्ता है ना, बस मुझे वही चाहिए तुमसे। उसके अलावा ना मुझे तुमसे दक्षिणा चाहिए, ना मुझे तुमसे कोई चढ़ावा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारी खुशी और मुझ पर विश्वास। मुझे पता है कुछ चीजें ऐसी हो गई हैं जिसे शायद तुम्हारे जीवन से हटाना या जिसे तुम्हारी यादों से मिटाना थोड़ा मुश्किल सा है, लेकिन तुम्हें आगे बढ़ना है, क्योंकि तुम मेरे बहादुर बच्चे हो और तुम्हें मेरा बहुत नाम रोशन करना है, समझे? जब किसी को दुखी देखो तो मेरी बातें याद कर लिया करो, फिर उसकी मदद करो। इससे तुम्हारे हाथ से भी अच्छा कर्म होगा, बस अच्छा करो। और किसी ने क्या किया इस बारे में ज्यादा सोचकर वक्त बर्बाद मत करो। जब भी सोचो तो तुम्हारे पास क्या है इस बारे में सोचो, क्या नहीं है और क्या खो दिया है वो मत सोचो। हर किसी को हर चीजें नहीं मिलती, पर सबसे भाग्यशाली वो है जो प्रत्यक्ष रूप से मेरा नाम स्मरण करते हैं। अरे पगले, तुम्हारा भार तो मैं ढो रहा हूँ, फिर क्यों उदास हो तुम? चलो, तुम्हारे चेहरे पर जो मुस्कान मुझे देखनी चाहिए वो आज बस दिख जानी चाहिए। अगर मुझ पर विश्वास है तो आज मुस्कुराओगे जरूर। मुझे पता है कि कुछ लम्हों को, कुछ चीजों को, खासकर कुछ लोगों को माफ नहीं किया जा सकता। मैं तुम्हारे जीवन से ऐसे लोगों को चुन चुन कर हटा रहा हूँ, जिन लोगों ने तुम्हारा वक्त, तुम्हारे जज्बात, तुम्हारी मेहनत, इन सबको कोई महत्व नहीं दिया और बर्बाद किया, तुम्हें दुख पहुँचाया। मैं वादा करता हूँ कि ना ऐसे लोग, ना ऐसी परिस्थितियाँ अब तुम्हारे सामने आएंगी। तुम्हें अभी बहुत अच्छे दिन देखने हैं, इसलिए हार नहीं मान सकते तुम। और तुम भूखे रहो या जिद पर अड़े रहो, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम जिस चीज की जिद कर रहे हो वो तो तुम्हें वैसे भी मिलेगा, इसलिए खुश रहो। जब तुम्हें तुम्हारे मेहनत की, तुम्हारे हिस्से की कमाई मिलेगी ना, तो मेरा एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एक चित्र किसी अन्य मेरे बच्चे को देना। तुम्हारे हाथ से ये बहुत अच्छा होगा। ध्यान रहे, वो बहुत महंगा नहीं होना चाहिए, उसका मूल्य मेरी तस्वीर से होना चाहिए, पैसों से नहीं, समझ रहे हो ना? बस अपनी तरफ से ये छोटा सा काम करना। मैंने अपने बच्चों से पहले भी कहा था, मेरे कुछ बच्चों ने किया भी है, मुझे मालूम है बदलाव आए हैं वैसे लोगों की जिंदगी में, पर कुछ बच्चे मेरी बातों को नजरअंदाज करते हैं। आज याद दिला रहा हूँ तुम्हें। और बस तुम मेरा नाम स्मरण करो और बस आराम से रहो, सब अच्छा होगा। मैं कह रहा हूँ ना, सब अच्छा होगा। जो लोगों को समझा पाते हो वो लोग तो अपने आप तुम्हारी बातें समझ जाएंगे, और जिनको तुम नहीं समझा पाते हो उनमें अपना वक्त बर्बाद मत करना। तुम इस वक्त ये देखना कि तुम्हें क्या क्या करना है। तुम्हें जो कोशिशें अपनी तरफ से करनी है, जो तुम्हें काम दिया गया है, बस उस पर ध्यान दो। बाकी तुम्हारे जीवन की डोर तो मेरे हाथों में है, इसलिए खुश रहो।